नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 4 तारीख को आज से चालू हो चुका है, तो उसके एनालिसिस कर लेते हैं। पहली शिफ्ट की एनालिसिस है, इसके बाद देखिए अभी तो मैं पहली शिफ्ट की दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरे दिन की एक साथ एनालिसिस आपको दूंगा, करीबन 8 बजे के आसपास रात में, 7 बजे के आसपास रात में, ठीक है, शाम को मतलब। और ये देखिए आज का पेपर अगर आप देखें तो इंग्लिश का जैसे है ये, प्लस 17 से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे, 16 से 20 एप्टीट्यूड में, और रीजनिंग में 21 से 23, और अवेयरनेस वाला भी 18 से 20। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है मेरे पास एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अशोका के जो एडिक्ट हैं वो पूछा गया था किस चीज से रिलेटेड थे ये एडिक्ट, और जो इंस्क्रिप्शन थे ये रिफॉर्म से ये एसोसिएटेड थे, वो जो उसकी पीस पॉलिसीज थी उन्हीं सबसे रिलेटेड थे, ठीक है। और उसमें ज्यादातर एडिक्ट में इन्होंने ये अपने आप को बोलते थे देवम पिया और या फिर किंग पियादसी, तो ये भी अगर पूछा जाए कि किंग पियादसी किसको रिफर करते हैं, अशोका को ही रिफर करते हैं। ये अपने जो भी एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन होते थे उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे ज्यादातर, जो ईस्ट में लिखी जाती थी, ईस्ट में जो मौर्य के पार्ट था, ठीक है, और प्लस वेस्ट में खरोष्ठी और वो प्राकृत में लिखी जाती थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसको डिसाइफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसिप, ये जरूर याद रखिएगा। 33 इंस्क्रिप्शन है टोटल, मेजर रॉक एडिक्ट, पिलर और माइनर। फिर एक क्वेश्चन था कि इंडस का कितना परसेंट वाटर इंडिया यूज करती है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें कि IJCRBS है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडस की नॉर्थ से लेकर साउथ तक की ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो IJCRBS, तो ये IJC जो है ये वेस्टर्न रिवर्स है, ये पाकिस्तान के अंडर में आती है, RBS यानी कि रावी ब्यास सतलुज, ये इंडिया के अंडर में आती है, और इंडिया जो है इंडस का 20% वाटर यूज करती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि ये चाइना का बॉर्डर अगर पूछा है सिर्फ, तो चाइना का तो मंगोलिया के साथ सबसे ज्यादा है, अगर इंडिया का पूछेंगे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है आपका लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो उसके लिए ट्रिक है बचपन में MBA किया, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे चाइना है, वो मैं बता चुका हूँ कई बार। फिर ये क्या एलोकेशन था बजट का, बजट का एलोकेशन था 24 लाख करोड़ का इस बार था 2018-19 का, और इससे पहले का देखिए ये 20 लाख करोड़ था समथिंग, और जो एस्टिमेटेड आप लगा रहे हैं ये उस हिसाब से ये करीबन 22 लाख हो गया था, तो जो अभी इस बार अभी बोला गया 2018-19 का वो कितना है, 24 लाख करीबन है, 24 लाख करोड़। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जब दो बॉडी बीच में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आती है, स्लाइड करती है, या फिर अगर मान लीजिए देखिए दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ये एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब है जब वो मूव कर रही होंगी, स्टैटिक मतलब कि जब वो एक दूसरे पे, एक बॉडी दूसरे पे एग्जिस्ट कर रही है, लाई कर रही है, मतलब स्टे कर रही है। सर्कुलर मोशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था I3 प्रोसेसर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पाया, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब पूछा था इसमें, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट जो है पैसा खर्चा ज्यादा कर लेती है, इनके पास पैसे उतने आते नहीं है, तो जब खर्चा ज्यादा कर लेंगे तो उसको फिर कहां से चुकाएंगे, तो बस उसी लिए होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है या तो उसको उसके लिए नई मनी प्रिंट कर देते हैं और या फिर वो बोरो कर लेते हैं, बॉन्ड ऑन जारी कर देते हैं, तो ये सब आए थे। एक क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन से था, एक क्वेश्चन था आपका यूनियन टेरिटरी से, ये मैं नहीं समझ पाया कि क्वेश्चन क्या था। देखिये मैं यूनियन टेरिटरी और प्लस स्टेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। एक देखिए यूनियन टेरिटरी अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार है, और सबसे छोटी है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है, तो नंबर वन पे एरिया वाइज अंडमान एंड निकोबार, और सेकंड नंबर पे दिल्ली है, और सबसे छोटी है लक्षद्वीप। लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और यूपी। देखिए उससे पहले एक ये चीज देख लीजिए, ये हमारा ओनली SSC एग्जाम ग्रुप है, इसमें मैंने जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो मैंने CHSL के सब इसमें कर दिए, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओनली SSC एग्जाम्स वाला जो चैनल है यही ज्वाइन करना है, ये वाली PDF भी आपको यही मिल जाएगी, प्लस और भी जितनी PDF है सब कुछ यहीं पे मिलेगा, ये सिर्फ SSC एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड ग्रुप है ये। तो देखिए ये एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका गोवा, ठीक है, तो एरिया वाइज अगर स्टेट पूछेंगे तो कौन सबसे बड़ा है, राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा, और यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो अंडमान निकोबार, सबसे छोटी लक्षद्वीप, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप एरिया ये सॉरी यहाँ पे पॉपुलेशन होना चाहिए, तो पॉपुलेशन वाइज ये गलत लिख गया, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में, और सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी लक्षद्वीप में, 64,000 है करीबन, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कहाँ पे, दिल्ली में, करीबन 2 करोड़ के आसपास है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है आपका सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डांस से, डांस का ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आ पाया कि क्या क्वेश्चन था, प्लीज आप लोग कन्फर्म करिएगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया हो।
एक्चुअली क्लासिकल डांस अगर आप पूछेंगे जिनको रिकॉग्नाइज करती है संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो तो आठ होते हैं। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया से, कथक के लिए केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, उड़ीसी है उड़ीसा से, सत्रिया है असम से, मणिपुरी है मणिपुर और मोहिनी अट्टम है केरला से। द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड एक पूछा था, ये जो कोच खेल को मिलता है ये एग्जैक्टली बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, देखिए जो मैंने पूरे स्पोर्ट अवार्ड बताया उसमें सब कुछ बताया हुआ है, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी नेशनल अवार्ड सब कुछ उसमें, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न सॉरी, और प्लस अर्जुन अवार्ड सब कुछ बताया गया, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए सिर्फ यही ज्वाइन करना है, ओनली एसएससी एग्जाम, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, वीडियो पीडीएफ सब कुछ, और सब फ्री है। ये कुछ अमेंडमेंट की लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ। 52 सेकंड वाला जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है 61 वाला, इसमें एज वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था ये भी जरूर याद रखिएगा, 73rd वाला हुआ था पंचायती राज के लिए, 74th वाला हुआ था आपका म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज के लिए। यहाँ पे पार्ट 9 जोड़ा गया था, यहाँ पार्ट 9 ए जोड़ा गया था, यहाँ पे 11 शेड्यूल जोड़ा गया था, यहाँ पे 12 शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 18 सब्जेक्ट है, ये सब मैं बता चुका हूँ कई बार। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है आपका ये पूरी तो मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, एक 86 अमेंडमेंट है 2002 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, और वो है आर्टिकल 21 में। और 0 से 6 साल तक वाले में डीपीएसपी में ट्रीट किया जाएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी पेरेंट की कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये 51 ए में जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद है आपका 89th वाला, इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसको दोनों अलग अलग बॉडीज में कर दिया गया था। आर्टिकल 338 में एनसीएससी है और आर्टिकल 338 ए में एनसीएसटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 97th अमेंडमेंट में पार्ट 9 भी जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ दी गई थी। और 100 वाला जो है आपका 100 वाला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, 101 वाला जीएसटी था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये आप याद रखिएगा। जीएसटी को लागू करने वाला पहले स्टेट का नाम बताइए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ आप भी बताइए। 123rd जो अमेंडमेंट है आपका एनसीबीसी के लिए, ये अभी है, अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया गया है, मतलब अभी चल रहा है ये, इन प्रोसेस है ये लोकसभा और राज्यसभा में। पीडीएम्स आए थे ये कुछ आपकी लिखी हुई है, और प्लस ये कुछ सिनोनियम आए थे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। प्लस मैथ के क्वेश्चन भी है मेरे पास कुछ, एग्जैक्टली अभी अभी सब मिले, जो मैंने मिले यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। पीडीएफ भी मैं यहीं पे दे रहा हूँ, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए इस वीडियो पे अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं एसएससी स्कैम के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार मैं ट्विटर पे बोल रहा हूँ और यहाँ भी मैं लोगों से बोलता हूँ साफ साफ, देखिए जिन लोगों का एग्जाम हो जाए, अब अगर एग्जाम चल रहा है और एग्जाम की एनालिसिस भी नहीं करेंगे, अगर हर चीज अगर आप प्रोटेस्ट पे हिला देंगे तो कैसे चलेगा। देखो एग्जाम तो लोगों ने देना बंद किया नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम लोग दे रहे हैं और जब तक कैंसिल नहीं हो रहा है तब तक तो एग्जाम आप देंगे ही। अगर मान लीजिए कैंसिल या पोस्टपोन हो जाता है तब तो अच्छी बात है कि सब लोग एक जगह एकजुट हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक मैं एनालिसिस दूंगा। मैं ये अपील करूंगा सबसे कि जो लोग यहाँ पे एग्जाम दे लें उसके बाद वहां पे हमारे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी वाले लोग उनके साथ जाइए। मैं भी आज कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊंगा वहां पे पूरी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शाम को जरूर आऊंगा और वहां से लाइव भी करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक।